दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके, और इस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाएं, और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो काफ़ी कुछ मिस कर देंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा क्या है ऐसा खास आज की वीडियो में। एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को खोलिएगा दोस्तों। खोलने के बाद यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, आपका जो कीपैड या फिर कीबोर्ड बोल सकते हैं, मोबाइल का जो भी होता है, उसमें आप बैकग्राउंड में आपने देखा होगा डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, ओके, बैकग्राउंड जो रहता है। लेकिन आप इस एप्लीकेशन की मदद से वहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं। रीज़न यही है कि आप अपने कीबोर्ड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो भी लगाना चाहें वो अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। खोलने में ये स्टार्टिंग में सबसे पहले टाइम लेती है। इसे एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक करके आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, ओके। अभी इसे स्किप कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको टेम्पलेट चूज़ करनी है वो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे जो भी है, जैसे जो भी आपने यूज़ करना, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्या से क्या गड़बड़ कर, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ओके। तो अभी इस ऐड को हटा देते हैं। यहाँ पे आपको जो भी यूज़ करना है, जैसे कि ईद से रिलेटेड, अभी ईद गई है, ईद से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्विक डाउनलोड करके आप उसे लगा सकते हैं, ओके। इस पर क्लिक करना है आपने, और नीचे ऑप्शन बहुत सारे हैं जिनमें से आप चूज़ करना चाहें जो भी, वो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी से रिलेटेड एक है, बाल हनुमान, जो क्यूट काफ़ी लग रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ पे क्विक डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। क्विक डाउनलोड पे आप क्लिक करने के बाद ये थीम डाउनलोड हो जाएगी और आप इस थीम को अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कीबोर्ड के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल लगता है, ओके। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। तो अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई पे क्लिक करना है आपने, इजीली वो आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक सेटिंग ज़रूर इनेबल करनी होगी, इसको गो टू इनेबल पे जाना है। इनेबल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, सबसे नीचे कुछ यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे गूगल इंडेक्स कीबोर्ड, गूगल टाइपिंग कीबोर्ड, ओके। इस तरीके से जो चीज़ देखने को मिलती हैं आप यहाँ पे, आप देखेंगे आपका माय फ़ोटो कीबोर्ड का भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है, इसे ओके कर देना है, ओके। बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ओके। गो टू स्विच पे जाना है और यहाँ पे आपको माय फ़ोटो कीवर्ड पे चूज़ करना है। कभी कभी दोस्तों किसी के फ़ोन में ये चालू नहीं होगा ये सेटिंग करने के बाद भी, तो आप अपने फ़ोन को रीबूट करके एक बार देख लीजिएगा, ओके। तो ये बात हुई इसकी, और इसके अलावा ट्रेंडिंग और भी बहुत सारी टाइप है, ट्रेंडिंग, टुडे स्पेशल, एनिमेटेड कैटेगरी, बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। स्टिकर्स पे जाएंगे तो स्टिकर देखने को मिल जाएंगे आपको, ईद से रिलेटेड, मदर्स डे गया है उससे रिलेटेड, अप्रैल फूल गया था लास्ट मंथ उससे रिलेटेड। अगर आपको क्रिएट करनी है अपनी कोई थीम तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ग्रैंड एक्सेस पे जाना है आपको, ग्रैंड एक्सेस पे जाने के बाद आप अपना फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से अभी मैं इसे डनाय कर देता हूँ। सिंपल प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ आपको बीच वाले आइकन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आपको लगानी है कीबोर्ड पे वो आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ कीजिएगा। पसंद आई हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और ध्यान रख लेना इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग टिप्स, ट्रिक्स और नई वीडियोस में, नई ऐप्स के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।